सो हेलो ट्रेडर्स, हम लोग बात करेंगे क्या सेंसेक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए, इसमें क्या लिक्विडिटी है या फिर केवल ये मैनिपुलेट किया जा रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने हुए हैं कि सेंसेक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे ग्लिचेस की लोग शिकायत करते हैं। मैं आप लोगों को इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा कि प्रीमियम इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों करता है, एंड आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे तो किन बातों का ध्यान रखो। क्योंकि देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में अगर हम ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसमें प्रीमियम में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो आज आप लोगों को इसके रीज़न पता चल पाएंगे, प्लस जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि ट्रेड करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखोगे एंड किन चीज़ों से बचोगे करने से, जिससे कि आप लोगों की ट्रेडिंग प्लानिंग सही होगी, ठीक है। तो मैं हूँ रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल द इंडियन फीवर पे स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है शेयर मार्केट से, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस अगर आप लोग ट्रेड करते हो और पूरा मार्केट का ओवरव्यू जानना चाहते हो लाइव मार्केट में, तो हम लोग डेली लाइव भी आते हैं, ठीक है, 9 to 3:30 डेली लाइव हम लोग आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो इस लाइव की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक आ सकेगी। हम लोगों ने सेंसेक्स को ट्रेड किया था 29 सितंबर को। मैं आप लोगों को पूरा रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने इस ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर किया था हमारे साथ। हमने मार्केट के पूरे ट्रेंड को कैप्चर किया बॉटम से लेकर के अब तक, लेकिन यहाँ पे सभी ने अपना पैसा गंवा दिया क्योंकि वो सही समय पे एग्जिट नहीं किए। उन्होंने सही समय पे हमारी एग्जिट नहीं ली एंड उसके बाद उन्होंने वो सारा पैसा गंवा दिया। मैं आप लोगों को अपनी पोजीशंस बताता हूँ जो हम लोगों ने 25,000 के चैलेंज कैपिटल से 8,000 रुपीस केवल सेंसेक्स को ट्रेड किया है। एंड हम लोग डेली लाइव में केवल एक्सपायरीज को ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे कि डेली आप लोगों को एक एक्सपायरी देखने को मिल ही जाती है, तो हम लोग केवल केवल एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं 25,000 के कैपिटल से, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, 65,800 का जो कॉल है, ये कॉल ऑप्शन 354 के ऊपर तक गया था, लेकिन लास्ट के केवल आधे घंटे में, केवल इस फॉल में उस प्रीमियम का, उस स्पॉट सॉरी उस स्ट्राइक का पूरा प्रीमियम ख़त्म हो गया, जो कि आकर के बैठ गया 27-28 रुपये पे क्लोज हुआ। इवन 11 रुपये तक उसका बॉटम बना दोस्तों। तो ये चीज़ें क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये है पॉइंट्स। सेंसेक्स के पॉइंट्स देखो 65,812 है, ठीक है, इतने हाईएस्ट पॉइंट लेकर के ये बैठा है। तो अगर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आएगी इसमें, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर इसका मार्केट 1% 2% किसी दिन डाउन हो गया ना, तो आपके जो प्रीमियम है वो 1,000 रुपये तक जा सकते हैं ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक पे, अगर 1-1.5% का मूव आ गया तो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए इसमें जब भी कोई बढ़ोतरी होगी या फिर घटोतरी होगी, जैसे कि अप ट्रेंड होगा या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, तो आप देखोगे कि इसकी जो प्रीमियम्स के पॉइंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका जो स्पॉट है उसी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि ये देखो, इस कैंडल की ओपनिंग देखो, अप्रॉक्स आपको 200-300 एक इस तरीके की बुलिश कैंडल देखने को मिल जाएगी। अब आप सोचोगे किसी भी इंडेक्स में 200 का पॉइंट इंक्रीज होता है तो उसके प्रीमियम पे किस तरीके का असर पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि निफ्टी अगर 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो उसका प्रीमियम कहाँ जाएगा, सेम एज इट इज सेंसेक्स का भी प्रीमियम वर्क करता है, ठीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम का वर्क करता है। जैसे कि इसकी ओपनिंग देखो, यहाँ पे आप फोकस करो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ये देखो ओपनिंग इसकी 66,756.51 पे है, ठीक है, एंड क्लोजिंग देखो जो सी लिखा हुआ है वहाँ पे 65,936 पे है। अप्रॉक्स 200 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है ओपनिंग क्लोजिंग की, ठीक है। अब ये बड़ी रेड कैंडल देखो, इसकी ओपनिंग देखो 65,996 पे है, अप्रॉक्स 66,000 मान सकते हो, ठीक है, एंड क्लोजिंग इसकी 65,783 पे है, ठीक है। अप्रॉक्स आप लोगों की जो है वो 250 पॉइंट की कैंडल, ठीक है, 200 से ऊपर के प्लस की कैंडल है। तो अगर एक कैंडल में 200 पॉइंट के फॉल या फिर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फिर उसके प्रीमियम भी घटेंगे बढ़ेंगे, ये कोई ग्लिच नहीं है गाइस, ठीक है, ये कोई भी ग्लिच नहीं है, ना ही कोई मैनिपुलेशन है। अब यहाँ पे देखो कि सेंसेक्स में ही नहीं, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जब भी मंथ एंड का ये सेशन होता है ना, उस समय ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आप निफ्टी को देख लो, निफ्टी ने भी फॉल किया है, ऐसा नहीं कि केवल सेंसेक्स कोई ग्लिचेस कर रहा है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लो,
बैंक निफ्टी ने भी फॉल किया है, अपने अपसाइड से बैंक निफ्टी ने भी फॉल किया है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखो। पोजीशन साइजिंग जैसे कि आप मान लो कि एक निफ्टी को ट्रेड करते हो या फिर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, तो आप लोगों को लॉट साइजिंग जो है वो थोड़ी से ज़्यादा की आदत है, ठीक है। अचानक से अगर आप लोग सेंसेक्स पे आओगे तो आप लोगों को लगेगा यहाँ पे तो 10 क्वांटिटी ही हमें मिल रही है, ठीक है, एक लॉट में 10 क्वांटिटी ही मिल रही है, चलो हम 5 लॉट मारते हैं 50 क्वांटिटी मिलेगी। अब आपने 150-200 रुपये का प्रीमियम उठाया है और इस तरीके की फॉल या फिर अपसाइड मूव देखने को मिलते हैं एंड आप लोग मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ खड़े हो, जैसे कि आपने यहाँ पे पुट खरीदा हुआ है, आपने ये स्ट्राइक 65-700 की स्ट्राइक खरीद लिया हुआ है पुट, लेकिन मार्केट यहाँ पे अपट्रेंड हो गया, 200 पॉइंट आपका अपसाइड हो गया, अब वो जो प्रीमियम है वो आ गया 20-30 रुपए, 30-40 रुपए पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने जो 10 क्वांटिटी की जगह छोड़ करके 50 क्वांटिटी उठाई, जहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी एक लॉट की थी लेकिन आपने 5 लॉट उठा करके रखा और उसने आपका पूरा पैसे साफ कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आप अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखो। अगर आप लोग बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में एक लॉट करते हो तो यहाँ भी केवल एक लॉट ही करो, या फिर अगर आप लोग 10 लॉट करते हो उनमें तो यहाँ भी केवल 10 लॉट ही करो, 5 से मल्टीप्लाई निफ्टी का यहाँ पे स्ट्रैटेजी मत अपनाओ। यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे मूव हुई आप लोगों की पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी, जो कि मार्केट में वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमेशा ध्यान रखो कि सेंसेक्स में आप एक रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, कि हमें एक 1:2 या फिर 1:3 या फिर 1:1 चाहिए। ये तरीका किस तरीके से आप अपना सकते हो, पहले तो आप स्कैल्प का अगर कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे कि मुझे स्कैल्प करना है तो मैंने 1 लाख रुपए लेकर के मार्केट में इंटर करना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस ट्रेड में 5% का रिस्क लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटर किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटर किया 5% का रिस्क लेकर के, 5,000 का रिस्क लेकर के, मुझे 5,000-10,000 रुपए दिख रहे हैं, मैंने तुरंत वहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। आपको एक ट्रेंड करना पड़ेगा, एक मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम आप पकड़ सकते हो, ठीक है, ये एक मोमेंटम पकड़ सकते हो, जैसे कि इसने इधर ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल जो है ये बायर्स खींच करके लेकर के आ रही है कैंडल, ठीक है, ये बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगली कैंडल जो है वो मोमेंटम कैंडल हो सकती है, ठीक है। बायर्स आएंगे तो वो और नए बायर्स को लेकर के आएंगे, तो एक पैनिक बाइंग आएगी, ठीक है, और पैनिक सेलिंग भी आएगी, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, वो अपने पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, तो एक अच्छी कैंडल हमें मिल सकती है, ठीक है। ये सब हम लोग लाइव में डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल आपको दिखी, तो इस तरीके से आप स्कैल्प कर सकते हो कि आपको यहाँ पे इतना पॉइंट्स कैप्चर करना है, इतने पॉइंट का रिस्क है या फिर इतने परसेंट का रिस्क है, इतने परसेंट का प्रॉफिट मुझे निकालना है, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट लेकर के आराम से मार्केट से निकल सकते हो और आप छोड़ सकते हो अपने ट्रेड को, ठीक है। आपको इस तरीके से ट्रैप होना नहीं पड़ेगा। अगर आप पोजिशनल करते हो तो जैसा कि मैंने कहा, पोजिशन साइजिंग का ध्यान रखो प्लस अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाओ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हुआ थोड़ा, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, फिर यहाँ से उठ रहा है, तो इसका आप स्टॉप लॉस कर लो, यानी कि आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाओ एंड इधर जब भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, प्रॉफिट में जब भी स्टॉप लॉस ट्रेल करो, खास करके सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस में, आप अपने प्रीमियम पे जा करके देखो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, उसको आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल करके रखो, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल करके रखो, आएगा तो अपने आप पंच हो जाएगा, इससे आप लोगों के जो प्रॉफिट्स हैं वो सिक्योर्ड रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, फिर आपने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा टॉप बन चुका है, ठीक है, ये अच्छा खासा टॉप बन चुका है, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके एक बड़ी रैली को कैप्चर कर सकते हो और इस तरीके के फॉल में अपने आप को बचा सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को गंवाने से बचा सकते हो, इवन अब अगर आप अपने कैपिटल को भी बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कॉल की पोजीशन बनाई होगी, इधर साइड मान लो कि 800 का कॉल आपने खरीदा होगा, ठीक है, और उस समय 800 की कॉल की प्राइस 25-30 रुपए नहीं चल रही होगी, अगर आपके दिन वो एक्सपायरी है वो 100 के ऊपर ही होगी, ठीक है, अगर वो आपका ये आ जाए, ठीक है, 28 रुपए पे आ जाए, तो फिर आपका प्रीमियम तो गया ही जो प्रॉफिट का था, प्लस जो आपके कैपिटल का प्रीमियम है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंसेक्स में ट्रेड करो और आप हमें लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, डेली हम लोग लाइव आते हैं, लाइव भी आप आ सकते हो। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ जो खास करके इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं,
ठीक है, जो खास करके इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं एंड जो सीखना चाहते हैं मार्केट को, वो हमारे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। सारे Q&As होते हैं, यू नो, आप लोग जो भी पूछते हो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग सेंसेक्स में जो ट्रेड करते हैं वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, एंड ये जो मेरा छोटा सा आप लोगों को सजेशन है कि इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो उस पर ध्यान रखोगे, और अगर इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया आप लोगों पर तो हमें फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।